थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम सीधे करते हैं इसको, dy by dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 3। सुनो बहुत इजी, क्या दिक्कत है, सुनो सुनो ध्यान से। e की पावर x का क्या आता था, e की पावर x, तो यहां पर e की पावर में जो कुछ भी है ध्यान से चेक करो, e की पावर में वहां क्या था x, तो आंसर e की पावर x आता था, तो यहां e की पावर में x की पावर 3 है, तो आंसर आएगा इसका e की पावर में जो कुछ भी था वो वैसे ही आ जाएगा, e की पावर में क्या था, x की पावर 3 था, तो e की पावर में जो था उसको उतार दो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका कर लो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 का कर लो। ओके, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 3, और आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 आ गया आ जाएगा, और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर। तो आ जाएगा इस 3x स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हो, तो 3 x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स की पावर 3। अब सुनो इसकी डोमेन क्या हो सकती है, सुनो बच्चों डोमेन का मतलब यार समझो ना, ये जो डी बाई डी एक्स आए किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है, किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है, कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते थे, ये की पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता था हमने आपको बताया था वो ऑल द रियल नंबर होता था, ठीक है। और आगे पॉलीनोमियल फंक्शन लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर क्या पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल और एक्सपोनेंशियल का क्या है प्रोडक्ट, ठीक। तो आपका पॉलीनोमियल फंक्शन तो किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता था, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, कर लीजिए।